ओके सो आज है तारीख, कितना तारीख है भाई? आज है 29 तारीख और अभी समय हो रहा है 1:20 और हम लोग बैठे हैं इधर, इधर है प्रिया रंजन और हम लोग खाना खा रहे हैं। बात ओहो ये मेरा बात है और ये जो है बेचारा रुको, ये है बेचारा अतुल का खाना, उसको बुलावा आ गया तो भग गया। और मेरा खाना आज है बड़ी सब्जी और इधर ये क्या हो रहा है तो सौदा, और ये तो प्रैक्टिस कर रहा है गाना बजाएगा। तो आज है हम लोग का जो फोर्थ ईयर लोग हैं उन लोगों को हम लोग फेयरवेल दे रहे हैं, उसे का तैयारी हो रहा है। इधर प्रिया ये आज का एमसी है तो इसीलिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इधर दिमाग खराब हो रहा है इसका। और इधर भी देखा तो मैं जूता पहनने और इधर सुमन जूता निकाल रहा है भाई, जूता निकाल लिया है उसको। बता दे भाई, बता दे बता दे, ये तो अपनों का पेपर मांग रहा है, एक पेपर का 50 ले रहा है, फिर भी भाई अभी फिर एक लाया। अरे पर पैसा नहीं देगा, पैसा देंगे मतलब जुबान का पक्का है भाई। भाई एग्जाम टाइम में जो ऐसे देता है ना जॉर्ज सर, मस्त है, समझा, लिखो लो आंसर शीट एक उधर लो भाई, जितना यूज करना है यूज करना। और कोई कोई फैकल्टी लोग हिसाब करके 4 आंसर शीट देगा, लो भाई लिखो, उस तुरंत भर जाता, 5 मिनट भी नहीं लगता। अब उधर में सोहगा हो रहा है ना, ये भी सोहगा हो रहा है, चल भाई। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी इस समय हम दिखाना चाहेंगे आज का जो फेयरवेल प्रोग्राम है उसके लिए जो स्टेज बना हुआ है, एकदम पूरा ग्रैंड बना हुआ है, जोरदार, इसका तैयार, इसका पूरा क्रेडिट जाता है प्रिया रंजन हांसदा को। अभी एक नंबर स्टेज, ये है पूरा क्रेडिट इसको जाता है प्रिया रंजन हांसदा, प्रिया रंजन हांसदा। ये दे ये भी जा रही है आज विदाई में, टकले हो गया हमारा, हमारे संग कुछ बोलना चाह रहे लेकिन अभी थोड़ा हैंडसम लग रहा है क्योंकि बाल कटा, इसके लिए हम इसको 1845 बार इसको हम डांटे, फिर 1920 में सुधारा और अभी अच्छा से दिख रहा है और स्मार्ट है, पंचुअलिटी है थोड़ा सा, लेकिन लकड़ी कटे नहीं जानते हैं, दाहिने हाथ को आगे का, बाकी सब ठीक है, पढ़ाई लिखाई में चल चलन ठीक है, थैंक यू। और इधर प्रिया रंजन हांसदा हम लोग का नहीं नहीं बलून चिपकाते हुए, मेरा बाप का शादी है जैसा डेकोरेशन कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहा हूं क्या, सो रहा हूं। अरे छुट्टी मिली है ठीक है भैया। और इधर साउंड सिस्टम बाबू हम लोग का, उधर हाँ चलो, हम लोग दुख में हैं, दुख को इजहार किसी को नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग दुख में हैं तो दूसरों को क्यों दुखी करेंगे, इसीलिए खुशी खुशी रहना है, भले आंसू को नहीं दिखाना है। और क्या हो रहा है आज? आज हम लोग का पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन कोई विदा हो रहा है। और साथ? काम करते करते मैं थक गया, कभी साउंड सिस्टम कभी चेयर आ रही है, लगता है आज का दिन भर यही काम हो रहा है, भूख भरा भात नहीं आ रहा बात है। और समय हो रहा कहाँ भाई, मेरे तो घड़ियों नहीं काम गए कहाँ भाई, समय हो रहा 3:02 और 4-5 से प्रोग्राम है। इधर हम लोग का दुखी, हम लोग का जो दुख है उसको कोई देख नहीं पा रहा है, लेकिन दूसरे लोग बहुत खुशी है, एंजॉय कर रहे हैं, करने दो, अपना भी टाइम आएगा, जब रोएगा तो हम लोग। इधर मरमू जी कुछ काम करो, बैठे काम नहीं चलेगा, हैं डेकोरेशन कमेटी में और हम बैलून फुला रहे हैं, लेकिन मुंह से हवा नहीं निकलता, मुंह से सिर्फ गाली निकलता है, बैलून नहीं फूलता है लेकिन मुंह फूलता है। खड़े खड़े देख रहा है, ये सबको बंद है, हो गया हो गया।
कहाँ लगवा रहा है? अरे ला, तो हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला था 5 बजे और अभी 5:04 हो चुका है और कुछ बोल देगा माइक है अभी गाना गाएगा।
एकमात्र टाइगर हमारे जुनून दादा, वो टाइगर वाली रोर को भी हम याद करेंगे। आतिन दीदी की सादगी और खुशबू का खिलखिलाना भी हमें बहुत याद आएगा। रीना दीदी की मासूमियत और रोमी के नखरे भी हमें याद आएंगे। रूप दादा का उलझन और सुमित दादा का कंफ्यूजन भी हमें बहुत याद आएंगे। और अंत में आसरन भाभी का स्माइल, जो हमें से प्रत्येक को जब भी हम इनसे भेंट करते थे वो स्माइल करके जो ग्रीटिंग देती थी, वे सभी बातें हमें बहुत ही बहुत याद आएंगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बोलना तो ये चाहते हैं कि गम को कैसे छुपाने वाला बात है, इसीलिए समोसा चाट खा के गम बुला रहे हैं। बेचारा गम तो हम लोग के पास 50-50 का बजट था, अभी और 50-50 जोड़ लो। अरे ये है, अरे 50-50 नहीं है, ये आम का पैसा है। तो